ऑलराइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने लिए एक शानदार सा स्टार्टर हाउस वुडन का, जो कि होने वाला बिजनेस के लिए। जिसे वीडियो को लाइक करना, लाइक कर देना, जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल मेरे दोस्तों। अभी बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ को। ऑलराइट गाइस, सो बढ़ते हैं अभी अपनी फार्म की तरफ, जो कि ये हमारे फार्म की आउट लेआउट होने वाली है। लाइक एक ब्लॉक यहाँ पर एंड कुछ तीन ब्लॉक छोड़ के हमें दोबारा से प्रोसीजर करना है एंड कुछ ऐसे प्रोसीजर कर देना है। एंड जो लास्ट वाला होगा इसमें हमें कुछ चार ब्लॉक छोड़ने हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी के लिए हमें क्या कर देना है, बेसिकली यहाँ पर प्लेस कर देना चार चार ब्लॉक जहाँ जहाँ पर रेड कॉन्क्रीट है। ऑल राइट गाइस, सो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली जितने भी हमारे पिलर्स हैं इनको ओके लॉक से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देना कुछ ऐसे। एंड हमें इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर देना कुछ ऐसे एंड यहाँ से भी कनेक्ट कर देना एंड सेमली हर एक जगह से हमें कनेक्ट कर देना है। बस एक इसमें एक अलग चीज़ है, हमें जो सेंटर वाला जो सीन है उसे हमें लास्ट वाले ब्लॉक से, जो लास्ट वाली जो है लेयर हमारी, वहाँ से लेके आना है। एंड उसके बाद हमें इसको भी कुछ ऐसे ही कनेक्ट कर देना है कुछ ऐसे। एंड ये भी हो चुका हमारा काम डन, तो अभी के लिए तो कुछ ऐसा लग रहा है। ऑल राइट गाइस, तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें चार ब्लॉक कुछ एक्सपेंड करने हैं कुछ ऐसे। एंड हमें इसको यहाँ पे लाके प्रॉपरली कनेक्ट कर देना है। एंड सेमली हमें यहाँ पर दो ब्लॉक कुछ ऐसे ऐड कर देने हैं एंड यहाँ पर हमें कुछ तीन ब्लॉक ऐसे ऐड कर देना है एंड इनको प्रॉपरली हमें कुछ ऐसा बना देना है एंड यहाँ से हमें कुछ इसको ऐसा बनाना है। ऑलराइट गाइस, तो ये जो होने के बाद हमें क्या कर देना है, जो प्रॉपरली जो हमारा रूफ है उसको प्रॉपरली हमें फिल कर देना है स्प्रूस के प्लैंक से। ऑलराइट गाइस, तो प्रॉपर पूरी रूफ को फिल करने के बाद हमें क्या करना है, प्लैंक से ओके लॉक से हमें कुछ ऐसे एक स्टेयरकेस एरिया बनाना है, रेडी कर देना है कुछ ऐसे। एंड सेमली हमें उसको यहाँ पर भी कुछ ऐसे बनाना ही शुरू कर देना है कुछ ऐसे एंड उसको यहाँ पर ले आना है। एंड एक ब्लॉक हमें यहाँ पर छोड़ना है कुछ ऐसे एंड ऐसे। एंड मेरे को आज कुछ ब्लॉक साफ करने पड़ेंगे। ऑल राइट गाइस, तो ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ से हमें हर एक ब्लॉक तोड़ देना कुछ ऐसे एंड ऐसे। हमें आगे की तरफ ओके लॉक जो है उनको प्लेस कर देना कुछ ऐसे। एंड सेमली हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही ओके जो लॉक है उनको ऐसे प्लेस कर देना है। एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, ले लेने स्प्रूस की स्टेयर्स एंड उनको प्लेस कर देना, स्टार्ट कर देना कुछ ऐसे एंड उसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। एंड सिंपली हमें इनको यहाँ पर भी प्लेस कर देना कुछ इसी प्रकार से कुछ ऐसे 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 एंड ऐसे। एंड इसको तोड़ के मैं एकदम सही प्लेस कर देता हूँ। इसको भी हमें यहाँ से नीचे से तोड़ देते हैं। एंड जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ पे आने वाले हैं हमारे ओकी स्टेयर कुछ ऐसे। एंड ये तो बन चुका हमारा स्टेयर केस एरिया। यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ दोबारा से इसको प्लेस कर देते हैं। एंड ऑल राइट गाइस, सो अभी हमें क्या कर देना है, आ जाना है ऊपर एंड हमें ऊपर से कुछ ऐसे चार चार, बे यार मैं क्या लगा रहा हूँ, चार चार और प्लस कर देना है ओके लॉक कुछ ऐसे। एंड हमें सेमली इनको यहाँ पर भी प्लेस कर देना है, यहाँ से हमें एक दो तीन, यहाँ से तीन ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर भी प्लेस करना है। हमें यहाँ से भी कुछ ऐसे चार ओके लॉक जो प्लस कर देने हैं एंड हमें यहाँ से भी चार ओके लॉक जैसे कुछ प्लस कर देने हैं। ऑल राइट, एंड तो यहाँ से उजान के बाद ऑल राइट, तो ये मेरी साइड रह गई थी, तो यहाँ पर भी हम इनको प्लेस कर देते दो तीन चार। ऑल राइट गाइस, तो ऐसे कुछ एरिया बन जाने के बाद हमें ऐसे चार चार ओके जो लॉग जोन को प्लस करने के बाद हमें क्या करना है, इनको कनेक्ट करना शुरू कर देना है आपस में। ऑल राइट गाइस, तो हमें कुछ क्या करना है, बेसिकली यहाँ की जो हमारी लेयर है इसको हमें कुछ तोड़ देना है ऐसे
एंड यहाँ पे मैंने कलर प्लेस कर दिया। ऑल राइट, तो यहाँ की जो मेरी लेयर थी इसको हमें प्रॉपरली ऐसे तोड़ लेना जितने भी ओके लोग यहाँ पे कनेक्ट है, उनके लिए कुछ ऐसा लग रहा है। एंड अभी हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो साइड है यहाँ पर हमें तीन कुछ ऐसे प्लैंक लगा देने स्प्रूस के, एंड यहाँ पर भी हमें तीन प्लैंक लगा देने स्प्रूस के। एंड ये जाने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर ले लेने कॉबलस्टोन की स्टेयर एंड उसको हमें कुछ यहाँ पर ऐसे प्लेस करना है ऐसे, एंड उसको प्रॉपरली हमें जिगजैग करके आगे की तरफ ऐसे प्लेस कर देना कुछ ऐसे, एंड हमें इसको प्लेस कर देना यहाँ पर एंड यहाँ पर, एंड सेमली हमें इसको इस साइड भी रिपीट कर देना है कुछ ऐसे, एंड हमें इसको यहाँ पर भी लगा देना है यहाँ पर एंड यहाँ पर। एंड यू जाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो आगे वाली साइड है इसके ऊपर हमें लगा देने हैं कोबलस्टोन की ही स्टेयर्स, एंड यही सेम प्रोसीजर हमें इस साइड भी कर देना है। ऑल राइट गाइज, तो ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, निकाल लेनी है फिर से हमें कुछ ऐसे कोबलस्टोन की स्टेयर्स एंड उनको कुछ यहाँ पे ऐसे लगा देना है, एंड हमें यहाँ पर लगा देनी है कुछ ऐसे स्प्रूस की स्टेयर यहाँ पर भी सेमली, एंड उसके बाद हमें इसको यहाँ पर भी लगाना शुरू कर देना है कुछ ऐसे। ऑल राइट गाइज, तो वहाँ से हो चुका प्रॉपरली कम्प्लीट, एंड हमें क्या कर देना है सेमली यहाँ पर भी जो है ओकी स्टेयर्स हमें यहाँ पे प्लेस कर देनी है, एंड उसके बाद दोबारा से हमें कुछ ऐसे स्प्रूस की जो स्टेयर्स हैं उनको यहाँ पे हमें प्लेस कर देना है कुछ ऐसे। इसको फिल कर देना, स्टार्ट कर देना कुछ ऐसे। राइट गाइस, तो ये प्रॉपर ऊपर जगह को जो हट वाला एरिया था ये उसका प्रॉपरली बन के डन, एंड अब इंटीरियर शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी हमें क्या करना है, बेसिकली चले जाना है अंदर, एंड अंदर ये किसने लगाई है भाई। ऑल राइट, तो हमने इसको तोड़ देना है, एंड यहाँ से हमें कुछ ऐसे जो स्टेयर्स उनको लगाना शुरू कर देना है, एंड यहाँ क्या कर देना है बेसिकली इसके जो ऊपर है हमें यहाँ पे प्लेस कर देने हैं कुछ स्प्रूस के प्लैंक, इनके ऊपर हमें प्लेस कर देनी है कुछ ऐसे स्टेयर्स। ऑल राइट, सो ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ से ले लेनी है ओके प्लैंक और स्प्रूस के प्लैंक्स, हमें उनको कुछ यहाँ पर प्लेस कर देना है, एंड यहाँ पर भी हमें इनको प्लेस कर देना है कुछ ऐसे, एंड सेम प्रोसीजर हमें इस साइड पर भी कर देना है कुछ ऐसे, हमें लगा देने हैं स्प्रूस के प्लैंक, इनके ऊपर आ जाएंगे हमारे स्प्रूस के स्टेयर्स। के बाद हमें क्या करना है, ले लेने हैं लैंटर्न, एंड सेंटर साइड्स में हमें कुछ ऐसे लैंटर्न्स प्लेस कर देने हैं, एंड ये जो हमने बनाई थी वॉल्स इसको तोड़ देना है हमें कुछ ऐसे, एंड यहाँ पर हमें लगा देनी है स्टेयर्स स्प्रूस की पुट्टी करके कुछ ऐसे। ऑल राइट, तो ये हो चुका हमारा काम डन। सो ऑल राइट गाइस, अभी हमें क्या कर देना है, आ जाना अपने घर के बाहर कुछ ऐसे, एंड हमें यहाँ पर आने लगा देनी है कुछ ऐसे ओके स्टेयर्स, एंड सेमली हमें यहाँ पर भी ओके स्टेयर्स लगा देनी है, एंड इसके अंदर हमें लगा देने हैं ग्लास पेन्स, एंड सेमली हमें यहाँ पर भी इस प्रोसीजर को रिपीट कर देना कुछ ऐसे, एंड यहाँ पर भी हमें लगा देनी है ग्लास पेन, एंड उसके बाद हमें इन दोनों साइडों पे भी सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। ऑल राइट गाइज, तो ये सब हो जाने के बाद ऑल सॉरी डोमेंट, मेरी ये साइड कैसे रह गई,
ये सेट करना मैं कैसे भूल गया, बट छोड़ो हमारे ऐसा कुछ नहीं छूटता, तो हम इसको भी 5 सेकंड में डन कर देंगे एंड ऑल राइट, ये हो चुका हमारा काम डन। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या कर देना है, जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर हमें इसके आगे प्लेस कर देने हैं कुछ ऐसे कैंप फायर्स एंड इसको यहाँ से तोड़ देना है एंड इन सबको कुछ ऐसे हमें बुझा देना है एंड यहाँ से भी एंड इसको यहाँ से भी। ऑल राइट, तो ये हो जाने के बाद हमें ऐसे निकाल लेनी है फेंसेस एंड उसको यहाँ पर लगा देना है एंड हमें इसको यहाँ पर भी प्लेस कर देना कुछ ऐसे एंड कॉर्नर से हमें इसको प्रॉपरली ऊपर ले जाना है ऐसे एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, हमें निकाल लेनी कोबलस्टोन की स्टेयर्स एंड इसको कुछ ऐसे हमें प्लेस कर देना है यहाँ पर एंड इसको भी ऐसे एंड ये हो जाने के बाद हमें कोबलस्टोन की स्टेयर्स को कुछ ऐसे हमें प्लेस कर देना है। ऑल राइट गाइस, तो ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ से हमें कुछ ऐसे स्प्रूस के प्लैंक्स ले आने हैं नीचे तक कुछ यहाँ तक एंड हमें इसको यहाँ से भी प्रॉपरली हमें ऊपर खींच देना कुछ ऐसे एंड यहाँ पर लगा देना उसको एंड हमें उसको यहाँ पर लगा देना, सेंटर में नहीं लगना चाहिए एंड यू जाने के बाद तो सेंटर का जो ग्लास वगैरह है इनको हमें तोड़ देना है एंड इनके सेंटर में आएगा हमारा ऐसे डार्क ओपा गेट कुछ ऐसे एंड हमें क्या कर देना है, यहाँ पर जो ग्लास पेन थे इनको भी हमें तोड़ लेना है ऐसे एंड इनके अंदर हमें प्लेस कर देने हैं कुछ। एंड ये जो दो और हैं इनको भी हमें ऐसे तोड़ देना है एंड यहाँ पे हमें प्लेस कर देने कुछ ऐसे स्प्रूस के प्लैंक एंड यहाँ से भी हमें सेम यही प्रोसीजर कर देना है। ऑल राइट, सो ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, निकाल लेने अपने लैंटर्न, एक लैंटर्न हमें यहाँ प्लेस कर देना, एक लैंटर्न हमें यहाँ प्लेस कर देना। ऑल राइट, तो अभी हमें क्या करना है, अंदर की डेकोरेशन को स्टार्ट कर देना है। लाइक पहले हमें क्या कर देना है, यहाँ पर हमें लगा देना पॉट एंड इन पॉट मीन्स फ्लावर पॉट एंड कोई यार गलत सोच यार तुम्हारी भी। सो अभी हमें क्या कर देना है, इसके अंदर प्लेस कर देना कुछ ऐसे फ्लावर्स एंड जीव जाने के बाद हमें क्या प्लेस कर क्या हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं हमें कुछ ऐसे स्टेयर्स एंड इसके ऊपर प्लेस कर देनी है हमें फ्लावरिंग वाली एजेलिया एंड सेमली हमें यहाँ पर प्लेस कर देनी है कुछ ऐसे ताकि जो भी बंदा हमारे घर में एंटर हुए उसको बदबू या फिर ऐसी वैसी नॉनसेंस ऐसी चीज़ें ना सूझे, तो हमें इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, जहाँ पर हमें क्या करना है ऐसे तोड़ने हमें दो ब्लॉक एंड यहाँ पर हमें लगाने ग्लास ब्लॉक्स एंड इसके ऊपर हमें लगा देने कुछ ऐसे एजिलिया की सैपलिंग्स एंड हमें यहाँ से भी सेम वही प्रोसीजर करना है, यहाँ से हमें तोड़ना दो ब्लॉक एंड यहाँ पर हमें लगाने ग्लास ब्लॉक्स एंड इसके ऊपर हमें प्लेस कर देनी है एजिलिया की सैपलिंग्स एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर प्लेस करना फ्लावर पॉट एंड यहाँ पर फ्लावर पॉट प्लेस कर देना है एंड उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपली हमें कुछ ऐसे कैंप फायर प्लेस कर देनी है एंड इसको हमें सिंपली कुछ ऐसे बुझा लेना। ऑल राइट गाइस, तो घर हमारा बन के हो चुका प्रॉपरली कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को एंड हमारा हरा भरा सा घर बन के हो चुका एकदम रेडी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।